हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आप लोगों को लौकी के छिलके की सब्जी बनाएंगे और उसमें मैंने छोटे छोटा महीन आलू डाला है। एकदम ये लौकी का तो रायता में बना लूँगी, लेकिन छिलकों की सब्जी बनाऊँगी। छिलके की सब्जी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत अच्छी होती है। आप पराठे के साथ, फुलके के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप उसको खाइए। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला है, सरसों का तेल डाला है, उसमें जीरा, इसमें कोई ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल सब्जी बनती है। जीरा डाला, जीरा हो गया, थोड़ी सी हींग डाली, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, और सब्जी इसमें बहुत ही पौष्टिक सब्जी। इसमें छिलकों में बहुत ही वो होता है, विटामिन होते हैं, सब कुछ होता है, बहुत पौष्टिक सब्जी होती है, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसमें नमक डाल के ढक दूंगी। बिल्कुल सिंपल सब्जी है, एकदम सादी, इसमें कोई वो ज़्यादा मसाले नहीं, कुछ भी नहीं, बस स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। इसको मैं धीमी आंच करके गैस को ये जो है ढक दूंगी सब्जी को। देखिए हमारी सब्जी, ये देखिए हो गई है, देखिए कितनी बढ़िया सब्जी हो गई है हमारी। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच से भी कम गरम मसाला मैं डालूंगी, और थोड़ा सा बेसन, एक चम्मच बेसन डालूंगी। मुझे तो लौकी से अच्छी जो है छिलकों की सब्जी अच्छी लगती है, और इसको खूब भून लूंगी सब्जी। ये खूब भून जाएगी, आप पराठे के साथ खाइए, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। थोड़ा सा भून जाए हमारी सब्जी, बस हमारी सब्जी बनके एकदम रेडी हो गई है। देखिए थोड़ी सी भुन जाए, मैं फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमारी सब्जी कितनी बढ़िया भुन गई है। बेसन डालने से इसमें एक ये अच्छाई होती है कि जरा सब्जी भुन जाती है और इसमें सौंधापन आ जाता है। सब्जी और आलू और जो छिलके हैं बढ़िया भुन जाते हैं, कुरकुरे कुरकुरे क्रिस्पी हो जाती है। हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है, आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खाइए। देखिए हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, मैंने इसको सर्व कर लिया पराठे के साथ। इसको मैं अभी नाश्ते में खाऊंगी। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।